हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटीन किए गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से रिहा कर दिया। देर रात पटना पहुंचे विनय तिवारी ने कहा कि उन्हें नहीं बल्कि उनकी जांच को क्वारंटीन किया गया था। आधी रात के करीब मुंबई से लौटे एसपी विनय तिवारी को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया वालों ने घेर लिया। हर कोई बिहार के पुलिस अफसर से उनके साथ मुंबई में किए गए बर्ताव के बारे में पूछना चाहता था। विनय तिवारी ने जवाब भी दिया और कहा कि क्वारंटीन मुझे नहीं मेरी जांच को किया गया था। जो भी हुआ है मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ और इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया था, ये प्रक्रिया थी बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की चल रही थी, तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ और इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन पर भेज दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था कि ड्यूटी पर गए एक ऑफिसर को क्वारंटीन कैसे किया जा सकता है। लेकिन तब बीएमसी ने साफ कर दिया था कि ये राज्य सरकार की कोरोना को लेकर गाइडलाइंस के तहत ही किया गया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस की जांच को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि इसमें कुछ बड़े नाम भी आ रहे थे। हालांकि मुंबई से पटना रवाना होते समय विनय तिवारी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ही आपके साथ क्वारंटीन बहुत अच्छा बर्ताव हुआ, जो उनका जो कानून है उन्होंने हमें बताया, उसका हमने पालन किया, लेकिन हाँ उससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हूँ। उसमें कोई व्यक्तिगत उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया, आप ही को क्वारंटाइन किया गया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, ये मैं कहूंगा कि ये गलत हुआ, इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रक्रिया थी इन्वेस्टिगेशन, जो कानूनी हक हम लोगों का था तो उसमें बाधा उत्पन्न हुई। कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे या रिया चक्रवर्ती से पूछा गया, रिया चक्रवर्ती से जैसे पूछताछ किया आपको क्वारंटाइन किया गया, ये मेरा कुछ। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, इसलिए एसपी विनय तिवारी को अब मुंबई में रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन अगर एसपी विनय तिवारी की बात को सच माना जाए तो आखिर जांच को रोकने की कोशिश के पीछे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की मंशा क्या थी, ये तो सीबीआई की जांच में ही पता चल पाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार पुलिस की टीम सुशांत सिंह मामले के सभी दस्तावेज लेकर शुक्रवार को दिल्ली पहुंची और उसने सीबीआई मुख्यालय में आकर विशेष जांच टीम को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिए। इनमें वो जांच के कागजात भी शामिल हैं जो बिहार पुलिस ने अब तक इस मामले में की है।